कि मेरी न्यू वीडियो में फिर से स्वागत है। तो आपने मेरी इससे पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं आपको दिखा रहा था एक 3D राम मंदिर जो कि लेज़र से कटिंग होती है या आप कह लो लेज़र मशीन से ही बनता है। तो वो पिछला वीडियो में हमने बताया था कि उस फाइल के प्राइस के बारे में और कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूँ कि राम मंदिर की लेज़र कटिंग फाइल है जो को आप किस प्रोसेस से आप अपने लेज़र मशीन के सॉफ्टवेयर में किस तरीके से ले जा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, आप हमारे चैनल की इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे मेरी न्यू वीडियो में आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मैं आपको सीधा कोरलड्रॉ में लेकर चलता हूँ जहाँ मैं ये फाइल एडिट करता हूँ। उस सॉफ्टवेयर में बहुत ईजी रहता है किसी भी फाइल को एडिट करना। तो इसी फाइल को मैं अभी डिवाइड करने वाला हूं और आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप भी डिवाइड कर सकते हो लेज़र सॉफ्टवेयर में, इजीली ले जा सकते हो किस तरीके से। तो अभी मैं सबसे पहले बेस फाइल उठाएंगे। तो बेस फाइल के लिए आपने सिलेक्ट करना है कंट्रोल प्लस एक्स से कट करके कंट्रोल प्लस वी दबाना है, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और आपको उस साइज़ में कन्वर्ट करना है, मतलब कि आपका जो ये पेज है आपका उस साइज़ में लाना है जिस साइज़ की आपकी शीट है। तो मेरे पास A3 शीट्स पड़ी हैं तो मैं A3 साइज़ में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। अब देखो जैसे कि ये चीज़ है हमारा, ये एक फाइल हमारी जो है, इसको अगर मैं लेके जाऊँ तो ये सारा हमारा जुड़ा हुआ है, ग्रीन वाला भी हमारा जुड़ा हुआ है। तो इसको अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँ जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारी एक इधर फाइल आ गई और ये एक बेस की नीचे वाली साइड हो गई। अब ये जो स्टिक्स हैं, स्टिक्स इधर आ जाएगी। मेन आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको शीट में एडजस्ट करना है किस तरीके से वो आएगा। तो अब जैसे कि हमने ये कुछ इस तरीके से हमने लगा दिया है और अब आगे हम क्या करेंगे, जैसे कि ये थोड़ा सा नीचे जगह बच रही है तो हम थोड़ा सा नीचे इसको कर देंगे ताकि हमारा जो स्पेस है वो सारा यूटिलाइज हो जाए। तो इसको अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा देख सकते हो कि ये चीज़ हमारा एक शीट में A3 साइज़ में आ गया है। ये नहीं आ रहा तो ये हम अगली शीट में कहीं भी एडजस्ट कर देंगे कुछ अलग पोर्शन में। तो इसको मैं कंट्रोल एक्स करके वहीं पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, हमारा ये अभी बाकी है। तो सिंपल से मैं एक तरीका बता देता हूँ, वो सारे सिंपल वैसे मैंने ये सारे बना रखे हैं, अलग अलग पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं। तो आपको मैंने ये खाली समझाने के लिए किया है कि बेस फाइल में आपको क्या करना है, जो ग्रीन वाला है जो मार्किंग करना है उसको आपको कंबाइन कर लेना है। अब जैसे चाहे आपका ये वाला आपका पोर्शन हो गया हो, ये मार्किंग करना है तो इसको भी आपने मार्किंग करना है, तो इसको आपने क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। और आपको जो चीज़ आपको कट करनी है उसको भी आपने कंबाइन कर लिया, कुछ इस तरीके से हो गया। दो फाइल बन गई हमारी, एक हमारी एक कट वाली और एक मार्किंग वाली। जैसे ये हमारी कट वाली, रेड वाली हमारी कटिंग हो गई, ये ग्रीन वाली होगी हमारी मार्किंग। तो ग्रीन मार्किंग के लिए हमने ग्रीन ही रहने देते हैं। अब हमारी लैंडस्केप में होता है तो इसको हम लैंडस्केप में कर देते हैं ताकि हमारे को वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो लेज़र सॉफ्टवेयर में। अब जैसे कि आप देख सकते हो इसको हमने कर दिया, बेस फाइल हमारी ये तैयार हो गई। अब इसको हम सीधा लास्ट में हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग हमने कर रखा था। जैसे कि इसको हमने कट करके देखेंगे तो हमारा ग्रीन वाला इधर भी जा रहा था और अगर हम रेड वाला कट करेंगे तो रेड वाला हमारा पूरा पोर्शन जा रहा था। अब दोनों को हम क्या करेंगे, सभी को सिलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे। क्योंकि ग्रुप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप वहाँ पे लेज़र सॉफ्टवेयर में जाके आप अनग्रुप करोगे तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे आपका, इसको आपका ये पोर्शन अलग नहीं होएगा, ये पोर्शन अलग नहीं होएगा। आपको वहाँ पे कई अलग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में आपको सॉफ्टवेयर में पार्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं सॉफ्टवेयर अपना कट मशीन का जो है सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो ये लेज़र मशीन का जो सॉफ्टवेयर है हमारा ओपन हो रहा है। इसी फाइल को हम लेके आएंगे यहाँ पे इसी सॉफ्टवेयर में और आपको मैं अब बता देता हूँ। जैसे हमारा चालू हो गया है
थोड़ा लोडिंग हो रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देता हूँ। तो इसको हमने, ये हमारा A3 साइज़ का बेड है, तो इसको हमने क्या किया, पहले हमने ये सेव कर लेना है, इसको हमने सेव कर लेना है PLT में। इसमें PLT फॉर्मेट में, मैं वापस भी बता रहा हूँ, ये PLT फॉर्मेट में, सेकंड PLT। एक फाइल मैंने PLT में पहले ही फॉर्मेट कर ली है, आपको मैं दिखाऊंगा वो कौन सी है, जिससे कि आपको भी आसानी हो, आपको क्लियर समझ आए। अब जैसे कि हमने इंपोर्ट करते हैं, कंट्रोल आई से इंपोर्ट करते हैं सेकंड फाइल हमारी जो थी PLT, जैसा कि आप देख सकते हो ये आ गई। अभी आपको ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट मैनेजर में आपको डिफ़ॉल्ट में एक ही फाइल दिखा रहा है, अगर इसको आप अनटिक करोगे तो आपको किस तरीके से पूरी फाइल गायब हो जा रही है, ठीक है ना। अगर आप आउटपुट की ओर जा रहे हो तो यहाँ पे कुछ शो ही नहीं कर रहा, ठीक है। और कटिंग और मार्किंग के बारे में भी मैं अभी आपको आगे बताऊँगा, तो कटिंग और मार्किंग के बारे में आगे मैं बताऊँगा। इसको आपने क्या करना है, अनग्रुप करना है। अनग्रुप करने के बाद देखो, जैसे ये एक अलग हो गया, दूसरा अलग हो गया, दूसरा अलग होने के बाद इसका मतलब क्या है, इनग्रेविंग का अलग, मार्किंग जो कटिंग का है वो अलग हो जाएगा। इनग्रेविंग की फाइल अलग और कटिंग की फाइल आपकी अलग हो गई। इससे क्या रहेगा, आपका दोनों को कमांड इजीली आप दे सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको मतलब कि कट करना है, मतलब कि जल्दी आपको फास्ट मार्किंग करनी है, तो मार्किंग की एक बार मैं बता देता हूँ आपको। अब जैसे कि इसी को कट करेंगे, ठीक है, इसी फाइल को कट करेंगे। एक बार मैं आपको फाइल गायब करके दिखा देता हूँ। ये ग्रीन वाली आपकी जो मार्किंग या इनग्रेविंग थी वो आपकी हट रही है, उसको मैंने पॉली रे कट पे कर दिया है। कट पे इसलिए किया है क्योंकि मैं इसको अब मार्किंग करूँगा। मार्किंग क्यों करूँगा, मार्किंग इसलिए करेंगे क्योंकि जो हमारा ये है इनग्रेविंग के मुकाबले हमारा मार्किंग जल्दी होती है। तो मार्किंग जो है हमारी, अब देखो जैसे कुछ पूरी पूरी जो फाइल है हमारी आपको देखने को मिल रही है, वो भी खाली इनग्रेविंग। अगर मैं यहाँ पे इसको भी टिक कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारी रेड फाइल भी शो करेगी, ठीक है ना। यहाँ पे ग्रीन और रेड आपको दोनों शो कर रहा है, और यहाँ पे हम खाली इसको कट पे कर देंगे। कट पे इसलिए कर देंगे क्योंकि अभी हमें ये मार्किंग करनी है। अब पहले मैं हटा देता हूँ रेड वाली को। रेड वाली को क्यों हटा दी, क्योंकि मैं अभी मार्किंग करूँगा। मार्किंग अभी हमारी देखो, पोली रे वन जो हमारा ये ग्रीन वाली फाइल देख रहा है, इस पर टिक है, वो भी हमारी ग्रीन फाइल है। तो ग्रीन फाइल को हम कट पे करेंगे और कट की हम स्पीड थोड़ी ज़्यादा दे देंगे, और मार्क पावर हम दे देंगे नॉर्मल, जितनी हम XYZ या फिर पेपर में हम कट करने के लिए देते हैं, स्किन कट करने के लिए हम पावर देते हैं उतने ही। और वो फास्ट हमारे कट कर देगी, कट करेगी, लेकिन वो फास्ट से हमारा मार्किंग कर देगी, जिससे कि आपका काम फास्ट हो जाएगा। जब भी हम कट इनग्रेविंग से ज़्यादा हम मार्किंग करते हैं, अब देखो जैसे कि पॉली रे अब टू हमने कर लिया है, मार्किंग हमारी हो गई है। अब हम सीधा कट करेंगे, तो हमने क्या करना है, अनटिक करके और ये टिक करके इसको हम सीधा कट की पावर दे देंगे, जितने भी आपकी MDF शीट है, 2.5, 3 mm, 4.5, 5 mm, जितनी भी आपकी MM की शीट है उस हिसाब से आपको पावर दे देनी है, ठीक है। पावर अभी मेरी मशीन चालू नहीं है तो आपको मैं शो नहीं हो पा रहा है, ये जैसे भी आपकी मशीन चालू होगी तो पावर टू आपका यहाँ पे ब्लू कलर का आ जाएगा। और हमारी जो पहली फाइल थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें भी हमने पहले ही कर रखे हैं, कुछ हमने अलग अलग से फाइल फॉर्मेट्स बना रखे हैं जिससे आपका आसानी होगी। अब जैसे कि देख सकते हो, ये हमने इम्पोर्ट करा, तो यहाँ पर हमारा ये जो पहला पार्ट था, हमने कुछ हमने इंपोर्ट कर रखा था, मतलब पहले से ही हमने आपके लिए पहले से ही हमने फाइल बना रखी थी। और इसमें देखो हमारा, मैंने ये बनाने में, ये करने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आप लोगों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा अगर आप फाइल ये लोगे, क्योंकि इसमें आपको खाली इस तरीके से फाइल मिलेगी। आपने ये सीधा सॉफ्टवेयर में खोलनी है। सॉफ्टवेयर में खोलने के बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके अनग्रुप करना है। राइट क्लिक करके आपने खाली जो यहाँ पे है इसको अनग्रुप करना है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे अनग्रुप करता हूँ, राइट क्लिक करके अनग्रुप, तो यहाँ पे दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो, सॉरी, वापस से हमने अनग्रुप दबाया, तो ये देख सकते हो दो पार्ट में हमारा डिवाइड हो गई, एक रेड फाइल पे आ गया, एक ग्रीन फाइल।
ग्रीन फाइल जो है हमारी मार्किंग के लिए है या फिर इनग्रेविंग के लिए, ठीक है ना, ये हमारी कटिंग के लिए। कुछ आपको इस तरीके से फाइल मिलेगी ना, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ताकि अब जैसे कि देख सकते हो, अब हमें करना है पहले मार्किंग। तो मार्किंग के लिए मैंने टिक रहने दिया है, तो यहाँ पे हमने आउटपुट पे गया तो सीधा आपका यहाँ पे पूरा कट पे कर दिया हमने। और ये हमने कट की हमने स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा दे दी, जिससे हमारा जल्दी वर्क हो जाएगा, ठीक है ना। 32 या 35 जितनी भी आपको स्पीड देनी है, मशीन उतनी तेज़ी रफ्तार से हमारा काम करेगी। और पावर टू हमने पेपर या फिर हमने कोई स्किन की दे दी, जितनी हमारे को मार्किंग चाहिए, डार्क चाहिए या फिर हल्की चाहिए, जिस हिसाब से आपको चाहिए तो उस हिसाब से आपका वर्क कर देगा। अब जैसे ये पोली रे हमारा ये टिक कर देंगे। अब जैसे कि ये चीज़ हमारा, अगर इसको आप छेड़ा छाड़ी करोगे तो वो फाइल थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है इस सॉफ्टवेयर में, क्योंकि इस चाइनीज सॉफ्टवेयर है, आपको पता है, देख सकते हो आप, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। अगर आप ये फाइल चाहते हो तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हो हमारी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई और टेम्पल की फाइल चाहिए 3D में, या फिर आपको कोई कस्टमाइज अपना कोई कस्टमाइज डिज़ाइन करवाना चाहते हो, तो वो भी हम कर देंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिससे कि आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहे हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।